गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रोज़ाना शाम को आठ बजे देखते हैं हम मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर बारह जो आपके आने वाले एस एस का एग्ज़ाम जो पाँच अक्टूबर से शुरू होने वाला है जी का एग्ज़ाम जो सोलह नवंबर से शुरू होने वाला है यू जो कि अक्टूबर में होने वाला है आप लोगों को एच एस एस सी हरियाणा एस एस सी इन सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके जी एस का आप तैयारी किए हैं जी के जी एस करेंट अफेयर का उन सभी का इसमें आप लोग को रिवाइज हो जाएगा इस वीडियो में हम टॉप ट्वेंटी फाइव सेलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे टॉप ट्वेंटी फाइव सेलेक्टेड क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन मतलब कि विस्तारित रूप से देखेंगे ठीक है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा स्किप मत कीजिएगा आपको बहुत ही फायदा होगा ठीक है तो आइए अपना सेशन जो है शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे अठाईसवें संविधान संशोधन चालीसवें संविधान संशोधन बयालीसवें संविधान संशोधन या फिर बावनवे संविधान संशोधन तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा अर्थात बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा आपके अपने संविधान में समाजवादी और धर्म ये दोनों शब्द जोड़े गए थे अब प्रश्न आपसे पूछ देगा कि बयालीसवा संविधान संशोधन कब हुआ था ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी जान लेना तो बयालीसवा संविधान संशोधन कब हुआ था उन्नीस सौ छिहत्तर ईस्वी में कब हुआ था उन्नीस सौ छिहत्तर ईस्वी में नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त बयालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस सौ छिहत्तर ईस्वी में हुआ था ठीक है इसी के अंतर्गत जो है संविधान में राष्ट्रीय अखंडता समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये तीनों शब्द जोड़ दिए गए थे ठीक है संविधान की प्रस्तावना को जो है मेरे दोस्त संविधान की कुंजी भी माना जाता है क्या संविधान की कुंजी किसको संविधान की प्रस्तावना को उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं पी चाहिए है, तो हमारे एक टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा के उसमें प्रतिदिन शाम को ही मॉक टेस्ट जैसे ही खत्म होगा आपको पी प्रोवाइड करा दिया जाएगा ठीक है मेरे दोस्त या फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पी मिल गया ठीक है वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ठीक है मेरे दोस्त चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं प्रश्न संख्या दो कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन है भारत में वर्तमान में तो श्री रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति कौन है मेरे दोस्त वेंकैया नायडू ठीक है दोनों का पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक ही साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का उपसभापति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश तो आपको बता दें कि आर्टिकल सत्तर के तहत संविधान के अनुच्छेद में इस परिस्थिति को निपटने के लिए आर्टिकल सत्तर के तहत उ उन्नीस सौ उनहत्तर ईस्वी में एक नियम पारित किया गया है क्या है वो नियम तो वो नियम ये है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, हो तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मतलब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वो भी अनुपस्थित हो तो न्यायालय का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है इस पद को देख सकता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो, 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 हो? हो जाएगा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो आर्टिकल सत्तर के तहत यह भी याद रखिएगा आर्टिकल सत्तर के तहत उन्नीस सौ उनहत्तर ईस्वी में यह नियम पारित किया गया कि जब दोनों का पद खाली हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वो भी नहीं हो तो वहां का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है इस कृत्य को राष्ट्रपति के पद को जो है संपादित कर सकेगा उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या तीन प्रश्न संख्या तीन हमारा कह रहा है कि नीति आयोग है नीति आयोग क्या है नीति आयोग कानूनी निकाय है स्वागत निकाय है एक मंत्रालय या फिर सलाहकारी समिति है तो आपको बता दें कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का पुराना नाम क्या था मेरे दोस्त ये क्वेश्चन पूछ देता है आपसे योजना नीति योजना आयोग का मतलब नीति आयोग का पुराना नाम क्या था तो योजना आयोग क्या योजना आयोग था इसका पुराना नाम इसी को बदलकर नीति आयोग किया गया इसका गठन जो है एक जनवरी 2015 को किया गया था क्या एक जनवरी 2015 को किया गया था जिसे नीति कहते हैं क्या नीति कहते हैं ठीक है ठीके? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है कौन प्रधानमंत्री होता है ठीक है तो अब बात करते हैं इस प्रश्न इस प्रश्न की कि नीति आयोग क्या है तो आपको बता दें कि नीति आयोग जो है मेरे दोस्त नीति आयोग जो है आपको एक सलाहकारी समिति है क्या सलाहकारी समिति है क्या सलाहकारी समिति है सलाहकारी निकाय है तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा नीति आयोग सलाहकारी समिति है कब हुआ था इसका गठन तो एक जनवरी 2015 को

पीट जोर संचरित किया जाता है एडिज एडजिप्ट द्वारा एनफिलीज द्वारा घरेलू मक्खी द्वारा या फिर क्यूलेक्स द्वारा तो आपको बता दें कि पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर येलो फीवर पीत ज्वर क्या होता है एक बुखार होता है ये एक रोग है पीत ज्वर क्या है मेरे दोस्त एक रोग है क्या एक रोग है पीत ज्वर एक रोग है जिसे येलो फीवर बोलते हैं ये एक विषाणु जनित संक्रमक रोग है कैसा है विषाणु जनित संक्रमक रोग है विषाणु जनित मतलब कि विषाणु जनित ये एक संक्रमक रोग है यह एडिज इजिप्ट मच्छर से फैलता है किसके ए एडिज इजिप्ट मच्छर क्या एडिज इजिप्ट मच्छर द्वारा यह रोग जो है आपको फैलता है किस मच्छर द्वारा एडिज इजिप्ट मच्छर द्वारा ठीक है यह मच्छर है इसके वाहक के रूप में कार्य करता है ठीक है जिसके वाहक जो है कारक फ्लेवी वायरस वह जीनस वायरस है इस वायरस का नाम क्या है फ्लेवी वायरस या जीनस वायरस ठीक है तो पिट जोड़ किसके द्वारा संचालित किया जाता है एडिज इजिप्टी द्वारा तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए क्या ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का आपको सही उत्तर ठीक है उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पाँच आज का देखेंगे आपको बता दें कि हम ग्यारह मॉक टेस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखें तो उसे देख लें सुबह सात बजे हमारा करेंट अफेयर की क्लास लगती है हमारे सुबह सात बजे करेंट अफेयर की क्लास लगती है उसमें भी आप लोग जोर जाना भरें है आठ बजे कल आठ बजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो टॉप ट्वेंट फिफ्टी क्वेश्चन जो आपके पेपर में सीधे छपते हैं ऐसे इसी में के प्रश्न आप लोगों को सीधे छपते हैं दो तीन प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे एम टी हो जी हो ठीक है तो पेपर में छपने वाले टॉप फिफ्टी प्रश्न इलेक्टेड प्रश्न आप लोगों को कल आठ बजे मिलेगा सुबह सात बजे करेंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी रीजनिंग भी आप लोगों को बहुत जल्द चालू हो जाएगा ठीक है मेरे दोस्त तो आइए देखते हैं निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है क्लोरो फ्लोरो कार्बन है कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर फ्रेन है तो आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसे जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस गैसे किसके लिए जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन के लिए इन गैसों में सर्वाधिक उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का है पिछले दस से पंद्रह वर्षों में चालीस प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई किसकी CO2 टू की CO2 टू की CO2 टू के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम ईंधन व परंपरागत चूल्हे हैं ठीक है ठीके? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रमुख ग्रीन हाउस गैस गैस कौन सी है तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छ कह रहे वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है तो आपको बता दें कि क्षोभ मंडल है बहिर्मंडल है आयन मंडल या फिर समताप मंडल है तो आपकी जानकारी के लिए इसका सही उत्तर बता दो कि क्षोभ जो है आप लोगों को क्षोभ फियर वायुमंडल की सर्वाधिक निचली प्रथ है इसकी ऊंचाई ध्रुवो पर 8 किलोमीटर और विशुद्ध रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है इसे संवहन या अधोमंडल भी कहा जाता है इसे संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है ठीक है किसको क्षोभ मंडल की हम बात कर रहे हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्या छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी या फिर विटामिन ई तो आपको बता दें कि छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है निकल जाता है यह विटामिन शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिकों का निर्माण और उन्हें सहयोग प्रदान करता है यह एक स्कॉर्बिक अम्ल होता हो जा विटामिन सी निकल जाता है विटामिन सी एक स्कॉर्बिक अम्ल होता है क्या एसिड होता है यह हर प्रकार के सिट्रस फलों जैसे कि नींबू संतरा आदि में पाया जाता है तो इस प्रश्न का सत्य प्रतिशत सत्य उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा क्या ऑप्शन बी हो जाएगा चलिए प्रश्न संख्या आठ हम देख लेते हैं करें पाश्चुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है पाश्चुचरण पाश्चुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को जो है गर्म किया जाता है साठ डिग्री सेल्सियस पर दस मिनट तक तिरसठ डिग्री सेल्सियस पर बीस मिनट तक तिरसठ डिग्री सेल्सियस पर तीस मिनट तक या फिर बहत्तर डिग्री सेल्सियस पर पंद्रह सेकेंड तक तो आपको बता दें कि पाश्चुकरण द्वारा दूध को जो है बहत्तर डिग्री सेल्सियस यानी कि एक डिग्री फारेनहाइट पर पंद्रह सेकेंड तक गर्म करके जीवाणु रहित किया जाता है क्या जीवाणु रहित किया जाता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भोज्य पदार्थ को निर्धारित तापमान पर गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है ठीक है तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको जो ऑप्शन डी हो जाएगा बहत्तर डिग्री सेल्सियस पर पंद्रह सेकेंड तक जो है पाश्चुकरण किया जाता है क्या पाश्चुकरण कितने देर तक किया जाता है बहत्तर डिग्री सेल्सियस पर पंद्रह सेकेंड तक बहत्तर डिग्री सेल्सियस तक पंद्रह सेकेंड तक और फारेनहाइट में पूछ दे तो एक सौ इकसठ डिग्री फारेनहाइट तक पंद्रह सेकेंड पर ठीक है मेरे दोस्त चलिए आगे बढ़ते हैं नौवा प्रश्न अपना आज का देख लें क्या अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित में किस क्षेत्र में बांटा गया है अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांटा गया है प्राथमिक क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र में या फिर इनमें सभी में तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है ये क्षेत्र है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को मेरे दोस्त बांटा गया है उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को जोड़ें और शेयर करें ठीक है मेरे दोस्त और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या दस कर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में किस संस्थान द्वारा किया जाता है भारत में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना क्या कह रहा है प्रश्न में मेरे दोस्त कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस संस्थान द्वारा किया जाता है नीति आयोग श्रम आयोग केंद्रीय सांख्यिकी आयोग या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तो आपको बता दें कि भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है राष्ट्रीय आय के आकलन के, के लिए कौन सा सी यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टेटिक ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसके लिए उत्तरदायी है राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए ठीक है इसका इस संस्था का गठन कब हुआ था तो मई के उन्नीस में मई उन्नीस में जो है इसका गठन हुआ था याद रखिएगा ठीक है तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या ग्यारह है सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गैलिना है मैग्नेटाइट है पायरोसुलाइट है या फिर सीडेराइट है तो आपको बता दें सीसा इसका संकेत पी होता है सीसा संकेत पी होता है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क जो है गैलिना है गैलिना इसका सूत्र पी हो जाता है क्या पी हो जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है इसमें सीसा का प्रतिशत जो प्रतिशत जो होता है गैलिना में सीसा की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो छियासी दशमलव छः परसेंट लगभग होती है छियासी दशमलव छह होती है इसके अन्य खनिज सेरुसाइट एंग्लिसाइट और क्रोकासाइट इत्यादि हैं किसके सीसा के ठीक है तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा बारहवा प्रश्न आज का हम देखें निम्न में कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है निम्न में कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है तो रबी की फसल वो होती है जो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है रबी फसल क्या होती है जो अक्टूबर अक्टूबर और नवंबर में बोई जाए अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाए ठीक है इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी है रबी फसल में गेहूं हो जाएगा आलू हो जाएगा जौ हो जाएगा मटर हो जाएगा सरसों चना इत्यादि ये सभी क्या हो जाएगा रबी फसल हो जाएगा ठीक है वहीं बात करते हैं मक्का मक्का की तो मक्का जो है एक खरीफ फसल है क्या मक्का जो है आपको एक खरीफ फसल है उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तेरह है कि हाइड्रो हाइड्रोरोपोनिक्स किसे कहते हैं हाइड्रोरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं बिना मृदा के पौधों की कृषि को बिना मृदा के पौधों की कृषि को बिना मृदा के फूलों की कृषि बिना मृदा के बनों की कृषि या उपरोक्त में से कोई नहीं नॉन ऑफ दी अप्रोप्स तो आपको बता दें कि बिना मृदा के मतलब बिना मिट्टी के पौधों की खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है क्या हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है इसमें पानी के विल्यन में खनिज पोषक समाधान का उपयोग किया जाता है तो बिना मृदा के पौधों की कृषि क्या इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा बिना मृदा के पौधों की कृषि को क्या बोलेंगे हम हाइड्रोपोनिक्स क्या हाइड्रोपोनिक्स उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आज का हम चौदहवा नंबर प्रश्न देख लेते हैं करा पृथ्वी से टकराने वाला पैरा विकिरण किसके अछय के कारण होता है पृथ्वी से टकराने वाला पैराबैग्नि विकिरण किसके अछय के कारण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन ऑप्शन डी दिख नहीं रहा है ऑक्सीजन ऑप्शन डी क्या है इसमें ऑक्सीजन ऑप्शन डी ऑक्सीजन है तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो हम तो ओजोन का पहले रासायनिक सूत्र जान लेते हैं ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा ओ थ्री क्या ओ थ्री हो जाएगा सी एफ सी सी ओ टू जैसी गैसों के कारण ओजोन की यह परत जो है नष्ट हो जाती है और सूर्य का पैरा प्रकाश धरातल तक पहुंच रहा है तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा पृथ्वी से टकराने वाला पैरा किसके अवय के कारण होता है तो ओजोन के अवसर के कारण होता है किसके ओजोन के अवय के कारण होता है ओजोन का रासायनिक सूत्र की बात करें तो ओ हो जाएगा ठीक है चलिए उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं आज का पंद्रहवा प्रश्न कह रहा है ध्वनि नहीं गुजर सकती है ध्वनि नहीं गुजर सकती है जल से स्टील से वायु से या फिर निर्वात से तो आपको बता दें कि ध्वनि तरंग जो है अनुदर्ध यांत्रिक तरंगे होती है ध्वनि तिरंगे कैसे होती है अनुदर्ध यांत्रिक तरंग होती है ध्वनि संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि संचलन के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होगी वो वायु में भी जाएगी जल में भी जाएगी स्टील में भी जाएगी लेकिन वही बात करते हैं निर्वात की तो वहाँ पर ध्वनि नहीं गुजर सकती है तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है मेरे दोस्त अगर पूछ दे कि ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस में होती है तो ठोस में किसके किस में ठोस में उसके बाद तरल में उसके बाद गैस में तो ध्वनि की सर्वाधिक चाल जो है ठोस में होती है चलिए आज का सोलह प्रश्न अपना देख लेते हैं कह रहा निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है तो आउटपुट डिवाइस जो है कौन सा है इसमें प्रिंटर हो जाएगा क्या प्रिंटर हो जाएगा जो डिवाइस को मतलब कोई इसको भी आउट करे वो उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस क्या आउटपुट डिवाइस तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर हो जाएगा सत्रहवां प्रश्न कह रहा है कनेक्टिंग इंडिया एडलाइन किस कंपनी की है कनेक्टेड इंडिया एडलाइन किसकी है तो कनेक्टिंग इंडिया एडलाइन जो है भारत संचार निगम लिमिटेड बी एस एन एल की एडलाइन है किसकी बी एस एन एल भारत संचार निगम लिमिटेड इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा अगर बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो एक अक्टूबर दो हज़ार को एक अक्टूबर एक अक्टूबर दो हज़ार को बी एस एन एल की स्थापना हो गई थी ठीक है मेरे दोस्त क्लियर है इतना चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अठारहवा प्रश्न आज का हम देखेंगे करें कोकन एक्सरसाइज 2021 एक कोकन एक्सरसाइज 2021 एक भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ करंट अफेयर है एक्सरसाइज 2021 एक भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ तो कोकन एक्सरसाइज 2021 है भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित हुआ किसके किसके बीच भारत और ब्रिटेन के बीच इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न करे डायनामाइट के मुख्यता होते हैं डायनामाइट के मुख्यतः होते हैं डायनामाइट जो है एक विस्फोटक पदार्थ है क्या एक विस्फोटक पदार्थ है ठीक है इसके निर्माण में ट्राइन ट्राइन इट्राग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है डायनामाइट की खोज जो है अठारह में अल्फ्रेड नोबेल ने की थी किसने अल्फ्रेड नोबेल ने अठारह में की थी किसकी खोज जो है ट्राइनाइट गिलसरीन की डायनामाइट की खोज ठीक है तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा बीसवा प्रश्न अपना देखेंगे कर है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है तो आपको बता दूं कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है काली मिट्टी होती है कौन काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा काली मिट्टी का निर्माण जो है बोसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है इसका काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न करा डिगबोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है डिगबोई एक, एक मतलब शहर का नाम है जो असम में स्थित है यह कच्चा तेल के उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है किसके लिए कच्चा तेल के उपयोग के लिए ठीक है वर्ष 1911 में स्थापित डिगबोई तेल रिफाइनरी एशिया की सर्वाधिक पुरानी और सर्वाधिक लंबे समय से प्रचलित तेल रिफाइनरी है कब हुई थी स्थापना तो वर्ष उन्नीस में कब उन्नीस में इसकी स्थापना कर दी गई थी डिगबोई की ठीक है जो कि असम में स्थित है तो किसके लिए प्रसिद्ध है कच्चा तेल के उत्पादन के लिए बाईसवां नंबर प्रश्न करें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा मेरे दोस्त गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 समर्थ को समर्थकों के साथ 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम आश्रम से कहां से साबर आश्रम से साबरमती दांडी यात्रा शुरू की थी 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी ठीक है तो क्लियर हो गया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा अगला तीसवा नंबर प्रश्न कर रहा है किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है तो आपको बता दें कि भारत के स्वतंत्रता सेनानु सेनानी वकील और पत्रकार चितरंजन दास को सम्मानपूर्वक देश बंधु कहा जाता है क्या सम्मान बंधु देशपूर्वक कहा जाता है किसे चित्तरंजन दास को किसको चित्ररंजन दास को जो है देश बंधु भी कहा जाता है क्या देश बंधु कहा जाता है ठीक है अलीपुर षड्यंत्र कांड उन्नीस सौ एक आठ के अभियुक्त तो अरविंद घोष का बचाव किया था इन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दौरान अरविंद घोष का बचाव जो अलीपुर कांड से किया था कब 1908 सौ आठ ईस्वी में एक वकील थे कौन चित्रंजन दास है अगला प्रश्न 24वां प्रश्न कर रहे हैं रेखा किन दो देश के बीच सीमा बनाती है तो आपको बता दे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा सीमा बनाती है इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है 2430 किलोमीटर है जिसे अठारह ईस्वी में स्वीकार किया गया था तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा इसकी लंबाई कितना है ड्रोन रेखा की तो 2430 कब स्वीकार किया गया था तो अठारह ईस्वी में उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा आज का अंतिम प्रश्न अपना देखेंगे कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है तो आपको बता दें कि यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में बाल कल्याण के उद्देश्य से की गई थी कब की गई थी यूनिसेफ की स्थापना उन्नीस सौ छियालीस ईस्वी में किस उद्देश्य से तो बाल कल्याण के उद्देश्य से इसके मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है न्यूयॉर्क में कहा न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क कहाँ है यूएसए में ठीक है तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जाह भारत कल सुबह करेंट अफेयर और आठ बजे टॉप ट्वेंटी फाइव टॉप ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव में आपकी टॉप फिफ्टी पेपर में छपने वाले प्रश्न देखना ना भूलिएगा पेपर में छपने वाला प्रश्न टॉप फिफ्टी ना भूलिएगा जो आपका एम टी एस का एग्जाम है ना एम टी एस का एग्जाम उसमें ये सीधे सीधे इसमें से प्रश्न मिल जाएगा आप लोगों को ठीक है तो कल का वीडियो में आठ बजे ना चुकना भूलिए और सात बजे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर की वीडियो में जुड़ना ना भूलें तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बने रहिए अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे